हम आए हैं सीधे गोवा से और आपके लिए लाए हैं गोवा की स्पेशल काजू वाली रेसिपी। उसका कॉम्बिनेशन करेंगे हम आलू के साथ। तो जी नमस्कार, मैं हूं उमंग फ्रॉम बावलीस किचन और मां अन्नपूर्णा जी के आशीर्वाद से आज हम बनाएंगे पोटैटो कैश्यू करी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू बॉईल कर लेंगे और दूसरी तरफ आलू बॉईल कर लेंगे। काजू भी उबल गए हैं और आलू भी उबल गए हैं। अब शुरू करते हैं ग्रेवी का तामझाम। ग्रेवी के लिए हमने लिया एक पैन, उसमें डाले 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे हींग, साबुत जीरा और कड़ी पत्ता। जीरा थोड़ा चटकने लगे तब इसमें डालेंगे अदरक और इस रेसिपी की सबसे स्पेशल चीज हरी मिर्च। अदरक मिर्च थोड़ी सी पक जाए यानी कि उसकी पकने की खुशबू आने लगे उसके बाद डालेंगे प्याज। अब इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। इस रेसिपी में हम लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि गोवा की जो स्पेशल रेसिपी ये है उसमें सिर्फ हरी मिर्च ही जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च यूज की है। अगर आप तीखा थोड़ा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च थोड़ी कम डालिएगा। प्याज अच्छे से पक जाए तब इसमें उबले हुए आलू मैश करके डाल देंगे। मैश किए हुए आलू डालने के बाद सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे पानी, पानी में 1 से 2 उबाल आ जाए तब डालेंगे काजू। और सबसे आखिर में डालेंगे चीनी,
थोड़ा सा नींबू और हरा धनिया। ये लीजिए, हमने बना ली गोवा की स्पेशल पोटैटो कैश्यू करी। बिल्कुल इजी रेसिपी है और टेस्ट भी डिफरेंट है, तो घर पे बनाइएगा जरूर और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।